एक घर था जो कि एक पहाड़ की चोटी पर था। वहाँ की ऊंचाई इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ से नदियाँ और जो मकई के खेत थे वो दिखाई देते थे, और जो वो खेत थे वो वादा करते थे एक अच्छी पैदावार। बस उस ज़मीन को एक ही चीज़ चाहिए थी, वो थी बारिश। कम से कम थोड़ी ही बारिश हो जाती, पर बारिश चाहिए थी। लेंचो एक फार्मर का नाम है, जो यहाँ इस कहानी में एक फार्मर है जो चाहता है कि बारिश हो जाए, और उसको लगता है कि बारिश ज़रूर होगी, क्योंकि बारिश अगर हो जाती है तो उसकी फसल को पानी मिल जाएगा और उसको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो वो एक औरत से, जो कि उसकी वाइफ है, उससे बोलता है कि हमें लगता है कि हमें पानी मिलने वाला है। तो जो लेडी है वो खाना बना रही होती है, आखिरी मील बना रही होती है, वो कहती है हाँ शायद भगवान चाहते हैं। तो जो उनके घर के बच्चे होते हैं, जो बड़े बच्चे होते हैं, वो फील्ड्स में खेल रहे होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो घर के आसपास ही खेल रहे होते हैं। उस वुमेन ने खाना बना लिया होता है तो सबको बुलाती है कि आओ खाना खा लो। मील के टाइम पर क्या होता है, लेंचो सोचता है कि बहुत बड़ी बड़ी बूंदों वाली बारिश होगी, ऐसा होगा, उसको प्रिडिक्ट करता है। वैसे ही क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट साइड से बहुत सारे बादल आना शुरू हो जाते हैं और वो इनकी तरफ ही आ रहे होते हैं। एयर बहुत फ्रेश होती है और बड़ी प्यारी सी हवा चल रही होती है। एक इंसान अपने घर से बाहर निकल के आता है और वो इतना खुश हो जाता है, और वो ये कहता है कि जो ये बारिश की बूंदें हैं ये हमारे लिए नए सिक्कों की तरह हैं। जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट हैं, यानी 10 सेंट्स हैं, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट्स हैं। एक सेटिस्फैक्शन का एक्सप्रेशन दिखता है लोगों की फेस पे, क्योंकि जो ये पका हुआ जो कॉर्न है इसको बहुत ज़रूरत है पानी की, और उस टाइम वो पानी बरसता है। सब कुछ बहुत सही चल रहा होता है, बड़ी अच्छी हवा चल रही होती है, लेकिन अचानक से बहुत तेज़ तूफान वाली हवा चलने लग जाती है और अचानक से ओले भी गिरने लग जाते हैं। ओले गिरने से क्या होता है कि पूरी फील्ड जो है वो ख़राब हो जाती है, और पूरी फील्ड में सिर्फ और सिर्फ ओले पड़े होते हैं। अब ये जो माहौल है, ये जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे और जो ये होता है वो पूरा ऑपोजिट होता है, और इस चीज़ से इनको बहुत नुकसान होता है, क्योंकि ऐसा लग रहा होता है कि पूरी फील्ड में सिर्फ और सिर्फ नमक डाल दिया गया हो। तो वो जो लेंचो होता है वो बहुत परेशान हो जाता है और अपने बेटे से कहता है इतना तो नुकसान हमें ग्रास हॉपर्स से भी नहीं होता जो इसमें लग जाते हैं। जब कभी भी धान में कोई कीड़ा लग जाता है तो वो भी कुछ तो छोड़ देता है, लेकिन इस हेल स्टॉर्म ने कुछ भी नहीं छोड़ा। तो वो लोग बहुत परेशान होते हैं, वो सोचते हैं कि अब हम पूरे साल क्या खाएंगे, हमारे पास कुछ काम नहीं है करने को, अब हम हमारी कौन मदद करेगा, ऐसा कौन है जो हमारी मदद करेगा। बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट सैड सा हो जाता है, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही आस होती है कि वो जो चीज़ उगा रहे हैं उसे बेच के वो पैसा कमाएंगे, पर अब वो चीज़ ख़राब हो चुकी है। तो अब ये फाइनली होप इनके पास अंदर रहता है, वो भी गॉड से। ये सोचते हैं कि अब हमारी हेल्प गॉड करेंगे, और वही एक ऐसे हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो जो लॉस हुआ है और जो भी चीज़ें उनके साथ हुई हैं वो लेटर में लिखता है, और सोचता है कि मैं उनको लेटर लिखूँगा। और लेटर में वो ये लिखता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करिए गॉड जी, क्योंकि हम इस साल हंगरी रह जाएंगे, भूखे रह जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है, जो था सब ख़राब हो गया है ओले के कारण। तो हमें 100 पेसोस चाहिए, और जिससे कि हम दोबारा से उगा सकें पेड़ पौधे क्रॉप्स, और इससे हम फिर से अपने लाइफस्टाइल को वैसे से नॉर्मल ले आएँ।
तो प्लीज़ हमारी हेल्प करिए। तो ये लेटर लिखता है और साथ ही साथ ये जाके इसको पोस्ट कर देता है, मेल बॉक्स में डाल देता है। अब यहाँ पे लेंचो जो है वो बहुत हार्ड वर्किंग फार्मर है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल हार्ड वर्किंग नहीं है, उसके साथ ये है कि वो हार्ड वर्किंग भी है और उसे पढ़ना लिखना भी आता है, तभी वो ये लेटर लिख पाया। और ये जब इसे पोस्ट कर देता है, तो जब ये पोस्ट मास्टर है वो मेल बॉक्स से सारे लेटर्स निकालता है और देखता है कि ये लेटर भगवान को लिखा गया है, गॉड को लिखा गया है, तो वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो खूब हंसता है कि ये क्या, कौन है ये जिसने गॉड को लेटर लिखा है। तो जैसे ही वो पोस्टमास्टर दूसरे पोस्टमास्टर को ये चीज़ बताता है वहाँ ऑफिस में जाके, पोस्ट ऑफिस में, तो जो दूसरा हेडमास्टर होता है तो वो भी बहुत हंसता है, लेकिन अगले ही पल वो बिल्कुल शांत हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये तो बहुत बड़ा इंसान है, कि इसकी जो कॉन्वर्जेशन है, जो बातचीत है, वो गॉड से होती है। मतलब इसको बहुत शॉकिंग लगता है कि ऐसा भी कोई इंसान है जिसकी बातचीत गॉड से होती है। तो वो पोस्ट मास्टर सोचता है कि मैं इसको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, अदरवाइज़ इसका भगवान से, गॉड से फेथ हट जाएगा। अगर इसको रिप्लाई नहीं मिलता है तो उसका जो फेथ है वो डगमगा सकता है गॉड को लेकर, तो इसलिए मैं इसे रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो जो पोस्ट मास्टर होता है वो लेटर खोलता है, उसे पढ़ता है। जब वो पढ़ता है तो वो जानता है कि मुझे इसको रिप्लाई करने के लिए सिर्फ इंक और पेपर की ज़रूरत नहीं होगी, मुझे इसके लिए इसको 100 पेसोस भी देना पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उसने मांगा है इस लेटर में। तो वो बहुत मेहनत करता है, चैरिटी से, वो काफ़ी लोगों से, अपने कलीग से, अपने फ्रेंड से, सब जगह से वो इकट्ठा करता है पैसे और अपनी आधी सैलरी लगा देता है। उससे जो पैसा कलेक्ट होता है वो 50 पैसों से कुछ ज़्यादा होता है, लेकिन पूरा 100 पेसोस नहीं होता है। तो जितने भी वो कलेक्ट कर पाता है वो उतने उस एनवलप में डाल देता है और उसके बाद उसमें सिग्नेचर कर देता है गॉड के और उसे रख लेता है। फिर अगले ही संडे जो है लेंचो पोस्ट ऑफिस आता है और पूछता है कि क्या मेरा लेटर आया है। तो पोस्टमास्टर उसे अपने हाथों से हैंड करता है कि हाँ ये देखिए आपका लेटर आ गया है। जब वो लेटर देखता है लेंचो, तो उसको बिल्कुल भी शॉकिंग फील नहीं होता है। ऐसा लगता है कि उसको तो पूरा यकीन था कि वो जो गॉड है वो उसे ज़रूर भेजेंगे, रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो जो लेंचो है वो किनारे जाता है, क्योंकि उसने रुपए मांगे होते हैं, तो उसको वो चीज़ देखनी है कि क्या है एक्चुअली में मैटर। लेकिन जो पोस्टमास्टर है वो अपने अंदर से इतना खुश फील कर रहा होता है, क्योंकि उसने किसी की हेल्प की है। अब जैसे कि आप किसी की हेल्प करो तो आपको भी खुशी होती है इनडायरेक्टली, क्योंकि उसको पता नहीं है कि आपने उसकी हेल्प की है। तो जैसे ही वो किनारे जाता है लेंचो, वो गिनता है पैसे, तो वो पूरे पैसे होते नहीं हैं। तो लेंचो को बहुत गुस्सा आती है, उसके फेस से दिखता है कि उसको बहुत गुस्सा आ रही है। तो वो फिर से सोचता है कि मैं भगवान को रिप्लाई करूँगा और उनसे कुछ पूछूंगा। तो वो पेन और पेपर मांगता है काउंटर से और उसके बाद वो भगवान को एक लेटर लिखता है और फिर से उसे मेल बॉक्स पे ड्रॉप कर देता है। जैसे ही लेंचो चला जाता है, वैसे ही पोस्ट मास्टर जो है वो मेल बॉक्स में जाके, मतलब वहाँ जाके उसका लेटर निकालता है और पढ़ता है। लेटर में लिखा होता है कि डियर गॉड, आपने मुझे, मैंने आपसे 100 पेसोस मांगे थे जो कि बहुत ही ज़रूरी थे, आपने मुझे सिर्फ 70 पेसोस भेजे हैं, दैट्स वेरी बैड। अगली बार अगर आप मुझे मैसेज करना, आप मुझे भेजना रुपए, तो प्लीज़ मुझे मेरे पते पे भेजना, इस मेल पे मत भेजना, क्योंकि मुझे ये जो पोस्ट मास्टर्स हैं इन सब पे बिल्कुल यकीन नहीं है, मुझे ये बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट लगते हैं, मतलब कि जिस पे विश्वास बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो ये थी कहानी द लेटर टू गॉड की।